मेरी कुड़ करा दी एसडीओ साहब से मिलके। मैं पहले एसडीओ साहब से मिला, मैं बोला साहब ये मेरी तहसीलदार कार्यालय मकराना में मौजूद है, किसी जमीन से संबंधित ज्ञापन देने के लिए कुछ लोग आए थे, उनसे चर्चा करके हम मीडिया के जरिए आपको बताएंगे कि क्या पूरा मामला था। तो सर सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि क्या पूरा मामला है जमीन का और किस तरह से, मतलब जैसे कि जानकारी मिली थी कि कुड़की के आदेश आए थे, क्या पूरा मामला है? मैं पनाराम भूगाराम रेवाड़ दाबड़िया जी, मैं पेंशन आया था एक्सरेस में और उस पैसों से मैंने जमीन खरीदी 54 बीघा। 54 बीघा जमीन आपने खरीदी? हाँ, 2000 में। 2000 सन 2000 की बात। सन 2000 में बेसरोली जी, खसरा नंबर 81 जी। उसके बाद मेरे दो लड़के हैं, वो दोनों सर्विस में। अच्छा, दोनों सर्विस अलग अलग है। अच्छा, 34 साल से। अच्छा, दोनों अलग है। हाँ, वाह, कोई सेवा करने वाला नहीं है। अच्छा, तो पोते, दो पोते हैं मेरे। अच्छा, वो सेवा करते हैं। अच्छा, मैंने वो जमीन गिफ्ट कर दी उन दो पोतों को। अच्छा, आपने जो जमीन खरीदी थी वो आपने अपने पोतों को गिफ्ट कर दी? अच्छा, उसी जमीन का मामला है? हाँ, तहसीलदार साहब से पूछ के किया कि ये कानून है कि नहीं, उन्होंने बोला है। अच्छा, तो मैंने कर दी। अच्छा, आपने उनके नाम रजिस्ट्री भी करवा दी? रजिस्ट्री कर दी। अच्छा, गवाह है दो, उनके साथ कर दी मैंने। अब क्या है, जो मेरे संबंधी है भूतपूर्व विधायक श्रीराम जी बीचर जी, मैं उनको लड़के को मेरी पोती पढ़ाई हुई है। अच्छा, आपकी पोती? हाँ, 14 साल पहले शादी करी। अच्छा, खूब दहेज दिया, मांगा उतना ही जी। फिर वो उनको पता लगा कि पोतों को जमीन दे दी। अच्छा, तो मेरे पास आए। अच्छा, बोला कि आप पोतों को जमीन दी, पोती को भी दो। अच्छा, जबरदस्ती। अच्छा, मैं बोला साहब पोती को आप कितनी दी, बहन को बेटी को कितनी दी? बोला नहीं, मैं तो नहीं देता, या तो जमीन दो नहीं तो 51 लाख रुपया दो। अच्छा, ये डिमांड उन्होंने रखी? डिमांड रखी। उससे पहले मेरी पोती आई थी और जुआई, 3 लाख रुपये लेके गए, बोला प्लॉट लिया जयपुर में दो में, बोला ले जाओ। अच्छा, वो भी वापस नहीं दिए। उसके बाद वो जीती फरदानी में, मैं जिताई उसको प्रचार कर करके। फिर उनको गिफ्ट माला भी पहनाई 51,000 रुपये की। अच्छा, बेसरोली में जी, जी, जो जनता सब देख रही थी। अभी उनको क्या बोल रहे हैं कि अभी मैं एमएलए में खड़ी हुई थी, हार गई। अच्छा, सुमिता बीचर और श्रीराम जी बीचर दोनों मेरे को डिमांड कर रहे हैं कि 51 लाख रुपया दो, हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, जमीन बेचो। अच्छा, और मेरे को पैसे दो, मैं नहीं जानता कहीं से लाओ। ये आपकी जो पैतृक जमीन थी उसमें तो आपने अलग है, पैतृक जमीन मेरी दाबड़िया में पड़ी है। अच्छा, वो पड़ी है? हाँ, उसको कोई टच नहीं किया। नहीं, अभी जो हिस्सा मांग रहे हैं आप, कह रहे हैं कि सुमिता बिचर जो प्रधान जी है वो हिस्सा मांग रहे हैं, इस जमीन से आपने जो अपने निजी पैसों से खरीदी है? निजी पैसों से खरीदी, मेरा पीपीएफ पैसों से, निजी पैसों से खरीदी और पोतों को मैंने गिफ्ट कर दी। अभी आप ज्ञापन देने आए हैं, क्या सरकार की तरफ से कोई आदेश आया जमीन पे? जमीन पे मेरी कुड़ करा दी एसडीओ साहब से मिलके। मैं पहले एसडीओ साहब से मिला, मैं बोला साहब ये मेरी जमीन है प्राइवेट खरीदी हुई, ये आनी है आपको डिप कर दो। बोला नहीं नहीं। अच्छा, ये आदेश कब आए कुड़की के? ये कुड़की के कल। अच्छा, कल आदेश निकाल, 5 तारीख को निकाले हैं। अच्छा, जमीन कुड़की जमीन है। और मेरे को धमकियां दे रहे हैं कि हम मरवा देंगे, ये तो पैसे दो, ये तुम्हारे जो गवाह है ना रजिस्ट्री में उनको मरवा देंगे। अच्छा, उनको उठवा देंगे, पता ही नहीं लगेगा कहाँ गए। हमारी अप्रोच राजनीति की अप्रोच है, हमारी राजनीति की, हमारी बीजेपी की सरकार है, क्या समझते हो आप लोग, धमकियां रोज देते हैं। स्वयं बीजेपी गवर्नमेंट जिम्मेवार रहेगी, किसी रिश्तेदार को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेवार गवर्नमेंट बीजेपी रहेगी। ये अपने आप को ये कहते हैं कि हमारी पूंछ ठेठ दिल्ली तक है। ये सुमिता जाती है और बकवास करती है, अफसरों के पास बैठ जाती है और कहती है यार यहाँ मकराना में इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है कि सीमा से बाहर है। दादागिरी है इनकी कि हमारी पूंछ ऊपर सीएम साहब